नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी पटना द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है कोल्ड चेन टेक्नीशियन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और ITI MRAC ट्रेड में होना अनिवार्य होगा। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल के आवेदक इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR मेल के लिए 500 रुपए है, UR महिलाओं के लिए 250 रुपए है। फॉर EWS BC MBC मेल के लिए 500 रुपए है, फीमेल के लिए 250 रुपए है। SC ST और बिहार डोमिसाइल वालों के लिए 250 रुपए है, फीमेल 250 है। PWD मेल 250, फीमेल 250। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 2 मार्च 2020 तक आवेदक आवेदन भर सकते हैं, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भरना होगा। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL अब आगे हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL नोएडा द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है रेडियोग्राफर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 13। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बैचलर्स ऑफ साइंस इन रेडियोग्राफी का होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 500 रुपए देने होंगे। वहीं SC ST PH को 250 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 25/2/2020 तक सभी आवेदकों से आवेदन करने की मांग की गई है, जो कि अब इसके आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com या फिर www.becil.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे IIT गुवाहाटी द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत ग्रेजुएशन विद 60% ऑफ मार्क्स सभी संबंधित सब्जेक्ट्स में या फिर 10+2 या फिर BE मैकेनिकल के साथ साथ एक्सपीरियंस का होना अनिवार्य होगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं वॉक इन इंटरव्यू तारीख की बात करें तो 26/2/2020 की तय की गई है, जो कि अब सभी अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट IITG.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे ESIC हॉस्पिटल जयपुर द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम सीनियर रेसिडेंट डिसिप्लिन है सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, पल्मोनरी, रेडियोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी। वहीं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 15 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, जिसके तहत PG डिग्री या डिप्लोमा इन रेलेवेंट सब्जेक्ट का होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। नई एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वॉक इन इंटरव्यू तारीख की बात करें तो 25 और 26 फरवरी 2020 की तय की गई है, जो कि अब इसके आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर आवेदक आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ऑडिटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 373। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिग्री इन रेलेवेंट और ऑडिटिंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 28/2/2020 तक सभी आवेदकों से आवेदन भरने की मांग की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.biharprd.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC पंचकुला हरियाणा द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3864, जिसमें विषय हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, कंप्यूटर और साइंस। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट का वो भी 50% मार्क्स के साथ होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा BEd और HTET या HSET पास होना भी अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 42 साल के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 125 रुपए से लेकर
₹500 तक आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 2/3/2020 तक सभी आवेदकों से आवेदन भरने की मांग की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है लेक्चरर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 606। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए 6 पद रिक्त है, बोटानी के लिए 48 पद है, केमिस्ट्री के लिए 85 पद है, कॉमर्स के लिए 30 है, इकोनॉमिक्स के लिए 40 है, एजुकेशन के लिए 20 है, इंग्लिश के लिए 44 है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 5 है, जियोग्राफी के लिए 10 है, जियोलॉजी के लिए 8 है, हिस्ट्री के लिए 30 है, लॉजिक एंड फिलोसफी के लिए 10 है, मैथमेटिक्स के लिए 63 है, ओडिया के लिए 25 है, फिजिक्स के लिए 75 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 10 है, साइकोलॉजी के लिए 14 है, सोशियोलॉजी के लिए 12, लाइफ साइंसेज के लिए 3, जूलॉजी के लिए 78 है। वहीं इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके हिसाब से मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना रेलेवेंट सब्जेक्ट में वो भी जरूरी है। वहीं सेकंड क्लास मार्क्स इन बैचलर्स लेवल डिग्री का भी होना संबंधित विषय में जरूरी है। वहीं NET PhD भी पास होना अनिवार्य होगा, साथ ही साथ ओडिया भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 48 वर्ष के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD ओडिशा स्टेट के लिए कोई फीस नहीं देना होगा और बाकी दूसरे स्टेट्स के लोगों को ₹400 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 2 मार्च 2020 तक सभी आवेदकों से आवेदन भरने की मांग की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ एग्जाम है इंडियन सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम्स 2020। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के डेट है 31/5/2020। इन पदों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 796। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 32 साल के अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹100 आवेदन शुल्क के रूप में आपको देना होगा। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 3 मार्च 2020 तक सभी आवेदकों से आवेदन भरने की मांग की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे AIR इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ऑपरेशन एजेंट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 19। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी आवेदकों को ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। इंटरव्यू तारीख की बात करें तो 4 मार्च 2020 की तय की गई है, जो कि अब सभी अभ्यर्थी इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.airindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रिस्टोरर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 132। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक के साथ साथ टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹300 से ₹600 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 11/3/2020 तक सभी आवेदकों से आवेदन भरने की मांग की गई है। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी जो कि अब इसके आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रोजगार से जुड़े इसी तरीके के समाचार के लिए हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।